स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम गांव और बंदर में क्लो बीच टूटा पास के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्काउटिंग से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी को हम अपने इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लो बीच फूटा फांस, इसे फूटा फांस नाग फांस भी कहा जाता है, क्योंकि जंगलों में गाय के पैरों में सांप यही फांस लगा करके गाय के थनों से दूध पी लेती है। साथ ही साथ इसका उपयोग बंधन को शुरू करने तथा समाप्त करने में इस फांस का उपयोग किया जाता है। घरों में जानवरों को बांधने में भी इस फूटे फांस का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं खूंटा फांस बांधने की विधि के बारे में। अब हम जानते हैं खूंटा फांस बांधने के बारे में, खूंटा फांस लगाने के लिए। सबसे पहले खूंटा फांस बांधते समय रस्सी का जो सिरा है वो आपके दाहिने हाथ में होगा, और दूसरा रस्सी का जो बड़ा भाग है वो आपके बाएं हाथ में होगा। अब हम फूटे का रस्सी से एक चक्कर लगा लेंगे इस प्रकार। इस प्रकार हम रस्सी से एक चक्कर लगा लेंगे। अब ध्यान रखना है, हम नेट जो राउंड लगाएंगे वो इस रस्सी के नीचे से लगाएंगे इस प्रकार, ठीक है। अब देखेंगे हमारा एक यहाँ पे एक लूप बन रहा है, हम इस रस्सी को इस लूप में डाल देंगे। लूप में डालने के बाद इसे हम खींच देंगे। ये हमारा फूटा फांस रेडी है। नेक्स्ट, इस प्रकार के कोई खंभे या पेड़ की टहनी में फूटा फांस लगाना है तो किस प्रकार लगाएंगे वो हम जानते हैं। सबसे पहले हम छोटे सिरे को रस्सी के इस टहनी के ऊपर रखेंगे। इस प्रकार टहनी के ऊपर रखने के बाद हम बड़ी रस्सी के ऊपर छोटी रस्सी को रखेंगे। इस प्रकार रखने के बाद हम जो नेक्स्ट चक्कर लगाएंगे हम वो इधर नहीं लगा करके सिर्फ इधर लगाएंगे, अपने बाएं तरफ लगाएंगे, दाहिने तरफ हम रस्सी को नहीं डालेंगे। इस प्रकार हम इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। रखने के बाद हम इस सिरे को हम वापस इस लूप में डाल देंगे और इसे हम खींच देंगे। ये हमारा फूटा फांस रेडी, ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है।